हेलो बच्चों, अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डीपीपी 2। देखो किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फर्स्ट पार्ट हमें एक्स निकालना है। बेसिकली क्या करना है, एक्स। तो ये तो देख रहे हो, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो बेसिकली एक्स इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। बस यही वाला फार्मूला लगा देना है बच्चों दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। माइनस बी यहाँ पर है 3, प्लस माइनस डी निकाल लिए हो गया। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू आई इंटू माइनस 2i, ठीक है। जैसा हमने किया है एज इट इज इसको पुट कर लोगे, सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2a यानी 2i हो जाएगा। तो यहाँ देखने से ही लग रहा है 9 माइनस 8 आ गया यानी 1 आ गया, यानी 3 प्लस 1 यानी 4 अपॉन 2i एक रूट हो गया। इसको और सॉल्व कर लेंगे, या 2 अपॉन 2i दूसरा रूट हो गया। तो यहाँ से आंसर आ गया ना, ये आ गया 2 अपॉन i यानी माइनस 2i और एक माइनस i। इन सिमिलर वे यहाँ से भी सेम, इन सिमिलर वे ये भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। इन सिमिलर वे इस क्वेश्चन में भी ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, बी स्क्वायर यानी 2 माइनस आई होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी 1 प्लस आई इंटू माइनस माइनस प्लस कर लिए 5 प्लस 3i। ये तो डिस्क्रिमिनेंट सीधे निकाल लोगे, ठीक है। अब इसी को यदि हम सोल्व करें तो ये पूरा का पूरा सोल्व होने के बाद जो भी ये आ रहा है, 8 टाइम्स कॉमन ले लिए हैं तो 2 टाइम्स 2 माइनस आई का होल स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर और माइनस 4i, ठीक, प्लस। तो ये आ जाएगा 1 प्लस आई इंटू 5 प्लस 3i। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3i प्लस 5i माइनस 3, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। तो ये आ गया हमारे पास 8। अब देखो ज़्यादा जगह है नहीं क्योंकि क्वाड्रेटिक ही तो है, केवल डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो ये आ गया 8 टाइम्स, ये हो गया 4 यानी 8, और ये 8 आ गया यानी 3 यानी 6 और प्लस 2 यानी 8 आ गया अंदर। अब कांस्टेंट के मतलब आई का कोफिशिएंट कितना आया है, माइनस 8i यहाँ से और यहाँ से प्लस 8i है ना। माइनस 8i यहाँ से है और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 8i हो जाएगा। तो हमारे पास वो भी ख़त्म हो गया, तो 8 इंटू 8 आ गया, दिस इज 64, ठीक है। तो सिंपली x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू यही वाला फार्मूला पुट कर देंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2a, रख दोगे आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। सो ना अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें ना चार पार्ट दिए हुए थे, हर एक का लोकस निकालना है। हमने क्लास में बताया था लोकस के लिए सिंपली पुट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख दोगे तो ये इक्वेशन, फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, रियल रियल के साथ ना, तो एक्स प्लस 1 प्लस आई टाइम्स वाई माइनस 2, ठीक है, का होल मॉडुलस इज इक्वल टू रूट 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये मॉडुलस हटा लोगे तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट हटा लिए तो 7 आ गया। दैट रिप्रेजेंट्स ए सर्किल, बाकी आंसर की में लिखा हुआ है कि कैसा सर्किल है, जिसका सेंटर है
माइनस वन कॉमा टू है ना, वो तो आगे हम और बताएंगे तो डायरेक्ट तुम लोगों को पता चल जाएगा। और रेडियस क्या है, रूट सेवन, ठीक है ना। सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंपल इसमें भी जेड के जगह पर क्या रख लेना है, एक्स प्लस आई वाई, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर है ना, रूट का झंझट ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन और आसान कर दिया है। देखो भाई एक दो लाइन ना बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि हम एक दो दो लाइन शॉर्टकट करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि देखो ये कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं कि एक एक स्टेप हमें लिखने होते हैं, ठीक है, लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने का मतलब होता है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, बस जस्ट यू हैव टू गो थ्रू योर कंसेप्ट नॉट द कैलकुलेशन। तो यहाँ से जब सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट लगा देता हूँ, कुछ बच्चों को लगता है कि मैं कम लिख रहा हूँ, चलता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी हो गया टू वाई स्क्वायर, यहाँ है फोर, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अब क्या आ गया, टू से टू तो काट दिए थे, यानी दिस इज इक्वल टू वन, यानी बेसिकली ये भी क्या आ गया, दिस इज ऑल्सो ए सर्कल, ठीक है, ये हो गया सर्कल ना। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या रखना है, जेड इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू हमें क्या रखना है, एक्स प्लस आई वाई, ठीक, और यहाँ आ जाएगा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मॉडुलस देखो अलग अलग हो जाता है, ठीक है, न्यूमरेटर का मॉडुलस अलग, डिनोमिनेटर का मॉडुलस अलग हो जाता है, और ये है एक्स प्लस थ्री प्लस आई वाई, ठीक है, इसका मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू थ्री, तो यहाँ से ये आ जाएगा, हमारे पास मॉडुलस उधर ले जाएंगे, स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन टाइम्स एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को सोल्व कर लो, देखो अब जगह है नहीं तो हमारे जैसा आदमी तो डायरेक्ट ही करेगा, तो क्या आ रहा है, नाइन एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर यानी एट एक्स स्क्वायर प्लस एट वाई स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन में लिखता हूँ डायरेक्ट, प्रोसेस डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ से आएगा सिक्स एक्स इंटू नाइन फिफ्टी फोर एक्स, और यहाँ से प्लस सिक्स एक्स इधर आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा कितना आया था, सिक्स इंटू नाइन फिफ्टी फोर प्लस सिक्स यानी सिक्सटी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आ गया कॉन्स्टेंट टर्म थ्री स्क्वायर नाइन इंटू नाइन एट्टी वन, और यहाँ से आया नाइन यानी प्लस सेवेंटी टू। अगेन ये भी क्या आया है बच्चों, ये भी एक सर्किल आया है ना, जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो फोर से कट रहा है ना, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस एटीन इज इक्वल टू जीरो, ठीक, ये अगेन एक सर्किल आ गया, ठीक है। इवन इन लास्ट क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन में भी क्या करोगे, इस क्वेश्चन में भी जेड इज इक्वल टू क्या कर लिए, एक्स प्लस इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री प्लस आई वाई। देखो एक क्वेश्चन में हम पूरा डिटेल में लिख देते हैं, किसी में मेन है प्रोसेस, जस्ट गो थ्रू योर कंसेप्ट कैलकुलेशन। देखो ये हमेशा ना बच्चों पर्सन टू पर्सन वारी करता है, ठीक है, किसी का फास्ट होता है, क्यों, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, किसी का स्लो, ऐसा कुछ भी अंतर नहीं होता है, ठीक है, एक दो मिनट एक दस पंद्रह सेकंड का अंतर है। दोनों साइड मॉडुलस लेके स्क्वायर कर लिया, ठीक है,
तो x माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से वाई स्क्वायर जो कट रहा है उसको तो काट ही देते हैं भाई, है ना। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा, चलो जगह है तो लिख देते हैं प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, एक्स स्क्वायर कट गया तो देखो कितना आ गया 6x इज इक्वल टू आ गया ये 27, यानी 2x इज इक्वल टू आ गया 9, यानी ये आया एक लोकस आया जो कि स्ट्रेट लाइन आया, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट के तीन क्वेश्चन जो वो हमने यहाँ पर नहीं लिख रखे हैं, आपको पता है कि DPP सबके पास है, उसको डायरेक्ट देख के मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन यानी 13 क्वेश्चन हो या 14 हो या 15 हो, ठीक है, उसको यदि हम देखते हैं कि किस तरीके से करना है, तो देखो क्वेश्चन में ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है डब्लू, डब्लू इज इक्वल टू है जेड माइनस आई अपॉन क्या है 2z+1। अब जेड के जगह पर एक्स प्लस आई वाई रख दो, तो जेड के जगह पर एक्स प्लस आई वाई यदि रख दिए तो ये क्या आ गया एक्स प्लस आई टाइम्स वाई माइनस वन डिवाइडेड बाय 2x+1+2iy, है ना, यही होगा। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम उसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक्स प्लस आई टाइम्स वाई माइनस वन और डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या हो जाएगा 2x+1-2yi, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में देख रहे हो ना, डिनोमिनेटर में जेड इंटू जेड बार, ये भी थर्ड लेक्चर के या तो डायरेक्ट लिख सकते हो या पहले से जानते होगे, या जेड बार यानी हम सीधे इसको क्या लिख देंगे भाई, पॉजिटिव क्वांटिटी, बस एक पॉजिटिव क्वांटिटी लिख देते हैं, सबको पता है ना बेसिकली ये मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो 13 में देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में गिवेन डब्लू इज प्योरली इमेजिनरी, डब्लू यदि प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है, डब्लू क्या है प्योरली इमेजिनरी, देन जब प्योरली इमेजिनरी है तो बेसिकली रियल पार्ट इसका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, है ना, तो इस यानी रियल पार्ट ऑफ डब्लू इज जीरो, तो देखो W यहाँ तक आ चुका है हमारे पास, तो इसका रियल पार्ट ही हम देखते हैं, तो रियल पार्ट कहाँ कहाँ से आएगा, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी x इंटू 2x+1 आएगा, और रियल पार्ट कहाँ से आएगा भाई, ये इमेजिनरी i वाला इसके साथ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2y(y-1), ये आ जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से यदि हम देखते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास प्लस, है ना, तो ये अच्छा आई स्क्वायर यानी आई स्क्वायर तो प्लस हो गया ना, देखो कुछ बच्चे सही बोलते हैं कि डायरेक्ट ज़्यादा करने से हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, है ना, सही है बच्चे। अब देखो इसको हम रियल पार्ट जीरो कर दिए तो यहाँ से क्या आ गया 2x+2y+x-2y इज इक्वल टू जीरो, तो ये फिर से एक सर्किल आ रहा है ना, वैसे तो ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि ये एक सर्किल है, इसको अच्छे से लिख सकते हो ना, तो इसको हम x²+y²+x/2-y, तो सेंटर आ जाएगा, याद होगा वो पुराना इक्वेशन, सर्किल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, देखो मैं लिख देता हूँ, है ना, जनरल इक्वेशन जो होता है सर्किल का x²+y²+2gx+2fy+c इज इक्वल टू जीरो होता है,
याद है बच्चों? नहीं है तो याद करो, ठीक है। इसका सेंटर डायरेक्ट होता है माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस होता है, रेडियस इज इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट, ठीक है। तो यहीं से हम इस सर्किल, जो ग्रीन कलर का सर्किल है, उसका सेंटर क्या आ गया, माइनस जी माइनस एफ, है ना, तो माइनस वन बाय फोर कॉमा वन बाय टू आ गया सेंटर, और रेडियस निकाल लोगे, है ना, वन बाय सिक्सटीन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर वन बाय फोर, सी तो जीरो है, यहाँ से आ गया रूट फाइव बाय फोर, ठीक है, रेडियस आ गया, यानी यही ऑप्शन दिया हुआ है। देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में के बाद जो 14 है, 14 में क्या दिया हुआ है कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, W इज प्योरली रियल, W क्या है, प्योरली रियल है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ W क्या होगा, जीरो। तो अब इस केस में इमेजिनरी पार्ट जीरो कर लो, देखो फिर वापस ले आते हैं, इस केस में इमेजिनरी पार्ट कहाँ से आएगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो इमेजिनरी पार्ट जीरो कर लो, ठीक है। तो देखो इमेजिनरी पार्ट फिर से लिख रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है, माइनस टू एक्स वाई, माइनस टू एक्स वाई, ठीक, और क्या आ रहा है बच्चों, माइनस टू एक्स वाई तो आ गया, और आ रहा है प्लस में वाई माइनस वन टू एक्स प्लस वन, वाई माइनस वन और टू एक्स प्लस वन, यही ना आ रहा है, एक बार फिर देख लेते हैं, गलत नहीं तो हो जाएगा, चलो यही है। अब इसको सोल्व कर देते हैं, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तुम ए प्लस आई बी में लिख लो, उसके बाद आंसर अपने आप आ जाएगा, तो 2xy से 2xy ये कट गया, ये आ गया 2x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आ गया नेक्स्ट का लोकस, यानी ये क्या है बच्चों, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, अच्छा ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है, ठीक है, यानी स्लोप इसका हो गया, स्लोप का मतलब ही ग्रेडियंट होता है, ठीक है, तो स्लोप 2 है, और y इंटरसेप्ट तो जानते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से निकाल लोगे, जिसका इंटरसेप्ट 1 है, ठीक है, क्लियर। नाउ अब अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इस डीपीपी का, यदि मॉड डब्लू इज इक्वल टू वन है, मॉड डब्लू क्या है, वन है, तो लोकस ऑफ पीपी का मतलब वही एक्स कॉमा वाई वाला, ठीक है, तो हमें यहां से क्या करना होगा, इसी के मॉडुलस को वन करना ले होगा, ठीक है, तो इसका मॉडुलस हम वन कर लेते हैं, तो जेड माइनस आई अपॉन 2z प्लस वन का मॉडुलस, मॉडुलस अलग अलग हो जाता है ना, तो z माइनस आई का मॉडुलस इज इक्वल टू 2z प्लस वन का मॉडुलस, ठीक है, तो यहाँ से हम z इज इक्वल टू क्या करना है, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, और इसमें पुट कर दिए, तो ये आ गया x प्लस आई टाइम्स y माइनस वन का मॉड, दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स x प्लस वन प्लस प्लस आई टाइम्स टू वाई का मॉड, ठीक है, अब इक्वेट कर दिए, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, मतलब स्क्वायर रूट, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, और टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व कर दोगे, अब पूरा एक्सपेंड कर देते हैं, और क्या, तो ये भी एक सर्किल ही लग रहा है भाई, है ना, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन है, और यहाँ से फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर है प्लस फोर एक्स प्लस वन है, तो ये आ गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ये अगेन क्या है, एक सर्किल,
ठीक है, तो लोकस इज ए सर्कल। तो देखो इस तरीके से हमने डीपीपी 2 के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं, पार्ट वाइज है, ठीक है। इसको काइंडली गो थ्रू करो और बाकी क्वेश्चन जो डीपीपी और पैकेज के क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करो, ठीक है। थैंक यू।